मैंने अभी व्हाट्सएप किया था सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा और आपको रिप्लाई भी किया है। हाँ, तो मैं सोचा कि सर से बात कर लिया जाए। जी बताइए। देखिए सर, मैं सर इलाहाबाद में इस समय वर्तमान में मैं लखनऊ में हूँ। मैं इलाहाबाद में छात्र रहा हूँ, अभी भी हूँ। जी तो मैं चूंकि IAS का 2 बार मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, जी लेकिन मैं सफल नहीं हुआ हूँ और अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। तो अभी भी अभी ट्राई कर रहे हैं आप? अभी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ। तो अब मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT का ही एग्जाम दे सकता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। है सर। तो सर ऐसा हुआ कि मैं अपने विषय में बता दूँ कि मैं सबसे पहले मुझको जैसे हार्ट में जैसे भार समय से महसूस हुआ, जी तो मैं सोचा, तो मित्रों मित्रों से चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी, जी बात किया तो उन्होंने तरह तरह की बातें बताई। जी जी तो मुझे घबराहट हो गया, कहीं मेरे हार्ट में खराबी तो नहीं। फिर मेरी ECG हुई तो ठीक है उसमें नॉर्मल आया, ठीक है। लेकिन हमें डॉक्टर की बात पर भरोसा ही नहीं था। फिर मैं इधर से उधर टहलने लगा, नहीं जी नहीं मेरे मैंने मान लिया कि इसमें गड़बड़ी है। फिर ECG हुई, फिर नॉर्मल आया। ठीक तो है। फिर बाद में मैंने दवा लिया, एक न्यूरो के डॉक्टर से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे सर्टिमा और लिवरेट नामक दवा दी। और ये दवा खाने के बाद मैं 3 साल खाया, ठीक है। फिर मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मतलब चलता गया, एग्जाम एग्जाम में फंसे रहे तो चलता गया, थोड़ा बहुत रहता गया। अब उसमें से क्या हुआ, अभी जो घटना घटी, जैसे मैं चल रहा हूँ तो कोई पैर में टच हो गया कुछ, तो अब हमने देखा नहीं तो लगा सांप काट लिया तो इसका फोबिया बन गया। फिर ये चलता गया। फिर एक ऐसा मैटर आया कि एक लड़की थी, वो जैसे मान लीजिए कि किसी की गर्लफ्रेंड थी, जी लेकिन वो मुझे भी थोड़ा बहुत लाइन देती थी, तो मुझे लगता था कि कहीं वो मेरे पास ना आ रही हो। नतीजा हुआ कि इस दोहरे में वो कंफ्यूज कर रही थी इधर से उधर, उस कंफ्यूजन को हम पकड़ने में चले और सर मुझे OCD हो गई। फिर OCD को मैं तो फिर मैं इलाहाबाद से चला आया लखनऊ, क्योंकि जी लखनऊ मेरा घर है, ठीक है। तो लखनऊ में आके रहने लगा। फिर 3 4 5 महीना झेलता गया, तो OCD की जो फ्रिक्वेंसी थी वो तो कम हो गई, जी लेकिन तरह तरह के अब नकारात्मक विचार आने लगे कि ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी हत्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो ये सब आने लगा। तो सर इसका ट्रीटमेंट मैं चाहता हूँ कि आप ही करें हमारा ट्रीटमेंट। ओके ओके ये ओके, है। ये माइंड में उलझे हुए हैं आप। हाँ सर, वो मतलब कहीं नकारात्मकता रूप में फंस गए हैं। इतनी कहानी मैंने बता दी, OCD फोबिया जो जो आप बताते हैं उस हिसाब से तो यही हुआ। पहले जब OCD हुई थी तो लगातार विचार मेरे माइंड में आता था, मतलब विचार ही ऐसा विचार आता था, वो विचार हटता ही नहीं था कि और हम ठीक फोन कितने दिन में होंगे। कम से कम 1 महीना तो आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? ठीक। अगर आपको परमानेंटली रिजल्ट चाहिए तो असल में सर मैं अपने आप को रजिस्ट करता रहा, आप लोगों का वीडियो देख के अपने आप को संभालता रहा और अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी मैंने बात है। अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, बस केवल नकारात्मक विचारों से, क्योंकि मैं वो वेदर एक्सरसाइज वगैरह लगातार करता रहा और फिजिकल एक्सरसाइज करता रहा। और फिजिकल एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करता रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, जी लेकिन मैंने कभी अपनी हिम्मत न टूटने दिया। और आज भी मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बस ये क्या होता है कि कभी कभी जब विचार इतना ज्यादा हावी हो जाता है, तो हिम्मत जैसे थोड़ी देर देखिए, के ये लिए चीजें जैसे मैं आपको एक ब्रेक हो सिंपल जाती इसके ऊपर मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, है। हुँ। क्योंकि जो मन का जो ज्ञान है, देखो हुँ। मनोविज्ञान साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, जी कि जब हम इस साइंस को अच्छे से समझ लेते हैं ना कि माइंड एक्चुअल में काम कैसे करता है, वो हमारे इमोशन फीलिंग्स कैसे वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कैसे हम परेशान हो जाते हैं, कैसे उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, जब वो सारी चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ये साइंस है कि लाइट से हमें करंट लगता है, ये एक साइंस है ना, लेकिन जब हमें ये साइंस समझ में आ गई कि हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, तो क्या आज हम लाइट से डरते हैं क्या? नहीं, लाइट से नहीं डरते। उसका हम यूज कर रहे हैं ना, उस साइंस बिल्कुल का बिल्कुल यूज कर रहे हैं ना। जी इसी तरीके से जब मन की साइंस को अच्छे से समझ लेते हैं
तो उसका हम यूज करते हैं अपनी ग्रोथ में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। और लाइफ बेटर हो जाती है जब हम अपने मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग का मतलब यही है मेरे दोस्त, कि उस मनोविज्ञान को समझना, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, उस नॉलेज को हासिल करना और अपनी इस नेगेटिव सोच से बाहर आना और लाइफ को सर बेटर और बेटर बनाना। सर वर्तमान में मैं बताऊं क्या है, वर्तमान में मैंने ओवर थिंकिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी, जी वो धीरे धीरे वो मतलब वेदर एक्सरसाइज और मेडिटेशन से, तो हमने एक प्रकार से अब वो बहुत ज़्यादा अगर मैं दिमाग ना लगाऊं तो अब वो नहीं आती। लेकिन आती क्या है, जो ये इंट्रूसिव थॉट, जो बिना मतलब के थॉट आ जाएंगे, जी जिनका कि हमें ना हमने कभी सोचा है ना कुछ किया है, इनसे बस मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसको मैंने ओवरकम कर लिया है। जी लेकिन अब जैसे कल ही था मैं जी आ रहा था तो मेरे पैर में जो है थोड़ा सा चुनचुनाहट हुई, मैंने सोचा सांप काट लिया क्या। जी अब ये सांप काट लिया, अरे यार ऐसे सांप काटता है। अब पहली चीज कुछ गांव घर की जो खबरें हैं कि सांप ऐसा काटता है तो पता भी नहीं चलता ऐसे नहीं, जबकि मैं मेंटली जानता हूँ कि अरे भाई जब तक हमको कोई चीज काटेगा नहीं तब तक पॉइजन थोड़ा जाएगा अंदर। लेकिन दिमाग ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सांप काटेगा तो वहां फूलेगा, जी परपराएगा, कुछ भी होगा, जी लेकिन दिमाग का तना काट लिया। अब थोड़ी देर के लिए जैसे एंजाइटी में चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद जो है समझाते समझाते फिर ओवरकम करके आ गया। और सर एक हाँ चीज बताया, हमने सबका वीडियो देखा और सबसे यंग व्यक्ति आप ही हैं जितने वीडियो देखे हैं जी उसमें। हमें सबसे बढ़िया, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया जी जी कि हमने सोचा कि पहले ये देखते हैं कि हमको कौन पसंद है, हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जी जी हमने तभी आपको फोन किया। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं आपका पूरा साथ दूंगा।